हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि सिप्ला यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर सिप्ला ये कंपनी, इस कंपनी में बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर रिलीज किया गया है ताकि आप यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई करें और अपनी यहाँ पर काम करें, उस पोस्ट को अच्छे से निभाएँ और आपको बदले में सैलरी भी आपको दी जाएगी, जिससे आप अच्छे से अपनी शानदार ज़िंदगी जी सकते हैं और यहाँ पर अपने काम भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छी होगी, परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। तो आप कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जॉब जो है 98 जॉब्स मैच फॉर योर सर्च, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं टीम मेंबर फॉर्मेशन, टैक्स ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग का, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर जूनियर टीम मेंबर का, ठीक है, और ट्रेनिंग का यहाँ पर है। तो अगर आपको यहाँ पर लोकेशन देखना और यहाँ पर रिक्वेस्टिंग आईडी होती है, पोस्ट डेट आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको इस पोस्ट को अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, हाँ यहाँ पर इस पर आया हुआ है मेरे को, तो इस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी, टीम मेम्बर, फॉर्मुलेशन, टेक ट्रांसफ़र, ओके। अब यहाँ पर मुझे डिवीज़न दिख जाते हैं, डिवीज़न डिपार्टमेंट फॉर्मुलेशन टेक ट्रांसफ़र, एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है परमानेंट आपको मिलता है, यहाँ पर परमानेंट टाइप का काम कर सकते हैं। जॉब पर्पस यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फॉर द फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ अक्रॉस द ऑल सिप्ला साइट्स और MCO स्टैंडर्ड्स स्ट्रेट और इम्प्रूव योर टेक्नोलॉजी सिस्टम इन लाइन ऑफ रेगुलेशंस के थ्रू। अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर क्या क्या होनी चाहिए, कितने 8-7 पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया, 7 पॉइंट को यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, पहले स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जो यहाँ पर आपको अकाउंटेबिलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप एजुकेशन देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, बी फार्मा एंड एम फार्मा, मतलब अगर बी फार्मा भी किए तो भी चलेगा, एम फार्मा भी किए तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। अब रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेशंस डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, हैविंग नॉलेज ऑफ रेगुलेशंस मार्केट। और यहाँ पर कंपटीशन स्किल्स आपकी क्या क्या होनी चाहिए, आपको बातचीत करने की स्पीच, बात करने, लोगों को बातचीत करने, घुल मिलने की, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और कंपेरिजन्स, लाइकली पोटेंशियल फॉर ग्रोथ के लिए, और जॉब प्रोडक्ट्स, टेक्निशियल नॉलेज आपको होना चाहिए, फार्मा डोमेन नॉलेज होना चाहिए, ओके, और एंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए इफ अप्लीकेबल, तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स बताई गई जो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जॉब स्किल्स जो यहाँ पर विक्रोली में, ये लोकेशन देख सकते हैं विक्रोली में, और शिफ्ट आवर्स जो यहाँ पर की गई, आप हाल ही में की गई, ओके। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करनी पड़ेगी और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना और इस जॉब को अप्लाई कर लेना। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में ओपन होते हैं। बस आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है, रीटाइप योर ईमेल आईडी, चूज़ योर पासवर्ड, टाइप योर पासवर्ड, रीटाइप योर पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, रीजन, ईजी, एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, अकाउंट क्रिएट, सिंपल, प्लीज़ साइनिंग पर क्लिक करना और यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड टाइप करके अपना यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना, साइनिंग पर क्लिक कर देना, तो फिर आपका हो गया। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म बस फिल करना रहेगा, मतलब यहाँ पर वेबसाइट पर लॉगिन होता है ये चीज़, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आपके प्रोसेस है। और किसी भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, क्लिक करके इस पेज पर आ जाएं, अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।